शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले यादें सहजो कर रखूंगा, जाने किसने क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार रात निधन हो गया। उनकी बेटी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की। वे 75 साल के थे। शरद यादव कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। शरद यादव ने 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया था। मार्च 2020 में उन्होंने लालू यादव के संगठन राजद में विलय कर दिया। उन्होंने कहा था कि एकजुट विपक्ष की ओर पहला कदम था। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके देहांत पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि शरद पवार के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को सजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिग्गज राजनेता के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के बड़े वरिष्ठ नेता शरद यादव के निधन से मुझे गहरी वेदना की अनुभूति हुई है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी उन्होंने काफी संघर्ष किया। उनके निधन से भारतीय राजनीति की प्रभावी आवाज खामोश हो गई है। शरद जी के साथ मेरा बड़ा लंबा और बेहद आत्मीय संबंध रहा है। स्वभाव से बेहद सरल और बेबाक शरद जी का निधन एक बड़ी क्षति है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के समाजवादी धारा के वरिष्ठ नेता जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन से दुखी हूँ। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री व दशकों तक एक उत्कृष्ट सांसद के तौर पर देश का सेवा कार्य उन्होंने समानता की राजनीति को मजबूत किया। उनके परिवार एवं समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं। कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार एवं समर्थकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज़ 24x7।